गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या चलिए सारे लोग आ गए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जैसा कि हम लोग ने कल डिस्कस किया था कि रिएक्शन विद एयर देख लिया, रिएक्शन विद वाटर देख लिया, आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा हमारा मेटल। किसी एसिड मतलब कौन सा एसिड, जैसे कि CH3COOH, जैसे कि HCl, जैसे कि H2SO4, ये सब जो मेटल्स हैं, ये सब जो एसिड्स हैं, ये मेटल से किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, कुछ केसों में बहुत ही कम बोला जाए, लेकिन कुछ केस ऐसे भी आपको मिलेंगे कि मेटल जो है एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो किस केस में मेटल आपका एसिड से रिएक्ट कर जाएगा और किस केस में मेटल जो है एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा है, कौन सा मेटल है। इससे मतलब क्या है कि मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है। मेटल अगर अच्छा रिएक्टिव है, बढ़िया वाला रिएक्शन रिएक्टिव रिएक्टिव है उसको, ठीक है, तो वो अच्छे से रिएक्ट करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा। जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल हम लोग लेंगे उतना अच्छे से उतना फास्ट वो रिएक्ट करेगा। आई बात समझ में? जितना खराब लेंगे उतना खराब तरीके से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी विथ एसिड पढ़ने से पहले एक छोटा सा हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने लिखा है, पहले से लिख रखा है, लिखवाया था एक बार? रिएक्टिविटी सीरीज अवेलेबल है आपके पास तो ना लिखवाए, रिएक्शन शुरू करें। यस सर, बताइए, है ना रिएक्टिविटी सीरीज? यस सर है। हाँ, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम सबसे टॉप पे, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यही ऑर्डर है। ठीक है जुनैद, आपके पास भी है ना रिएक्टिविटी सीरीज? चलिए अभी हम भेज देंगे, कुछ देर बाद क्लास ओवर होने के बाद एक बार फिर से भेज देंगे, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, छोटा सा रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स जो डेली लाइफ में ज्यादा यूज होते हैं उनको हमने रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज किया है। जो ज्यादा रिएक्टिव है उनको ऊपर रखा है, जो कम रिएक्टिव है उनको नीचे रख रखा है हमने। ठीक है, चलिए तो एक बार हम फिर से भेज देंगे, आइए शुरू करते हैं फिर हम लोग अपने रिएक्शन से ही। ठीक है, तो पहले तो एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कल लिखा था। तो ये जनरल रिएक्शन क्या है, जनरल रिएक्शन आपका यहाँ पे ये है कि जब आपका मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा, जब आपका कोई मेटल मेटल लिया हमने, मेटल क्या हुआ, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट किया, तो क्या बनाएगा बताइए, गेस करिए क्या बनाएगा। जब आपका मेटल किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, आइडिया? मेटल का सॉल्ट बनाएगा, या सीधे सॉल्ट लिखो या लिखो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहें तो यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल देखो, इस केस में ऐसे लिखा हुआ है, एग्जांपल देखोगे तो और आसानी समझ में आएगा। जैसे सोडियम मेटल लिया और HCl से रिएक्ट करा दिया, HCl क्या है, एसिड है, तो ये Na क्या करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो Na क्या है, सोडियम, सोडियम सोडियम क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, उसकी जगह खुद बैठ गया, तो Cl के साथ क्या जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2। रिएक्शन हम लोग बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है मेटल, ये है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड है, यहाँ DIL लिख देना, डाइल्यूट एसिड प्लस ये क्या है, मेटल का सॉल्ट NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि मेटल जो है डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन दे रहा है, समझ में आया?
समझ में आया रिएक्शन? यस सर। नोट करिए फटाक से इसको। वहीं पे अगर हम लोग इसके साथ पोटेशियम का भी एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं। पोटेशियम क्या करेगा, HCl से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, KCl बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टू, यहाँ पे टू और यहाँ पे टू ले सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम जो रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम टॉप में आते हैं, उनका रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा है। बाकी भी इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, बाकी के लिए भी कोई ऐसा हार्ड एंड टफ रूल नहीं है, बाकी भी ऐसे रिएक्ट करेंगे। आगे से अब नेक्स्ट रिएक्शन जब हम लोग लिखेंगे तो प्रोडक्ट आप लोग बताएंगे। ठीक है, पहले हमने सोडियम मेटल का एग्जाम्पल दे दिया, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं मैग्नीज। सोडियम पोटेशियम हो गया जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे। इसके बाद हमारा कौन आता है, इसके बाद हमारा आता है मैग्नीशियम। कल वाला लिस्ट देखिए, कल आप लोग को 8 रिएक्शन लिखवाए थे, रिवाइज किए, याद हुआ रिएक्शन? चलिए आइए अगला वाला लिखते हैं हम लोग, मैग्नीशियम का रिएक्शन लिखते हैं, Mg का। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाओ HCl से, क्या बनेगा, Mg प्लस HCl, बताइए क्या बनेगा। मैग्नीशियम भी ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसको रिप्लेस करेगा, कौन सा सॉल्ट बनाएगा? हाँ वेरी गुड, यही, MgCl2। हाँ MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, MgCl2 क्यों बना, क्योंकि तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए Cl के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम के साथ बिन के बना वो क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। रिएक्शन का रेट पूछोगे तो जो सोडियम और पोटेशियम का रेट था उससे कम है, रेट इन द सेंस की स्पीड, स्पीड ऑफ द रिएक्शन कैसा है। तो सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से वो तेज रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव होता है, रिएक्ट तो करेगा लेकिन उतना तेज उस स्पीड से नहीं करेगा जिस स्पीड से सोडियम कर रहा था, जिस स्पीड से पोटेशियम कर रहा था, क्योंकि वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, इसलिए वो तेज करते हैं और मैग्नीशियम केस में स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करते हैं। एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं, ये नोट हो गया ना, एल्यूमिनियम आपने लिया, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया किससे, HCl से। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया HCl से तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वेरी गुड, एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनेगा, AlCl3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, इस वजह से यहाँ पे AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 6, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। ये हो गया रिएक्शन आपका बैलेंस। ठीक है, इस रिएक्शन के बारे में एक खास बात हम आप लोगों को बता दें, यहाँ पे देखो आपको एक बात पता था, लास्ट चैप्टर में भी हमने इस बारे में जिक्र किया था, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है ये जो नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल रहता है, ठीक है, जब वो मेटल की फॉर्म में रहता है तो एल्यूमिनियम मेटल की खास बात ये होती है कि ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ठीक है, किस चीज का प्रोटेक्टिव लेयर, अपने ही ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। एल्यूमिनियम ये जो एटमोसफेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो, जैसे जस्ट इमेजिन दिस इज एल्यूमिनियम मेटल का शीट या रॉड या कुछ भी है, तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना लेगा, Al2O3 का एक लेयर बना लेगा प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को। तो स्टार्टिंग में जब आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराओगे तो बेसिकली रिएक्शन हो किसका रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ,
समझ में आया? तो स्टार्टिंग में जो रिएक्शन रहता है वो थोड़ा स्लो रहता है, थोड़ा क्या, बहुत ही ज्यादा स्लो रहता है। और जैसे जैसे ये रिएक्शन होता जाता है, प्रोसीड होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, टॉप लेयर से जो ऑक्साइड वाला लेयर है वो हटता जाता है। और जैसे जैसे लेयर हट गया, अब एल्यूमिनियम क्या हो गया, प्योर फॉर्म में आ गया, अब प्योर एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है, ऊपर वाला ऑक्साइड वाला लेयर हट चुका है, तब रिएक्शन की स्पीड थोड़ी अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आया? स्टार्टिंग में रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो रहता है बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देन आफ्टर दैट जब वो लेयर हट जाता है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा अच्छा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, और तब रिएक्शन तेजी से होता है। क्लियर है? समझ में आया? बताओ बताओ। यस सर, यस सर। है ना? चलो ये वाला रिएक्शन लिखो, इसके नीचे वाला पॉइंट लिख ही लो जो अभी हमने बोला। लिखिए, बोल रहे हैं हम, नोट कर लीजिए इसके नीचे ये वाला पॉइंट लिखो। एल्यूमिनियम मेटल एट फर्स्ट रिएक्ट स्लोली विथ रिएक्ट स्लोली स्लोली विथ डायल्यूट एस सी एल, डायल्यूट एस सी एल, डायल्यूट एस सी एल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ tough protective layer due to the presence of tough protective layer due to the presence of tough protective layer of aluminium oxide tough protective layer of aluminium oxide on its surface, tough protective layer of aluminium oxide on its surface, on its surface, ठीक है, फुल स्टॉप। कंटिन्यू करिए, एक लाइन और है, कंटिन्यू करिए। बट व्हेन द थिन outer oxide layer but when the thin outer oxide layer gets dissolved in acid gets dissolved in acid then fresh aluminium metal which reacts rapidly with dilute HCl. Which react rapidly with dilute HCl. Which react rapidly with dilute HCl. ठीक है? चलिए, हो गया, लिख लिया, किसे कुछ छूटा नहीं ना? चलो, वेरी गुड। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर में ही हम लोग लिख रहे हैं, बस वो पहला वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। कौन सा?
सोडियम और पोटेशियम वाले में हमने सोडियम लिखवा दिया था पहले, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है ये तो आपको पता ही है, तो पोटेशियम हो गया, उसके बाद सोडियम हो गया, सोडियम के बाद हमारा मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम के बाद हमारा एल्यूमिनियम हो गया, अब एल्युमिनियम के बाद हम लोग कौन सा मेटल देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जिंक का रिएक्शन देखने जा रहे हैं, जेडन का रिएक्शन देखने जा रहे हैं, तो जिंक एचसीएल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक एक्सेल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बताओ, बोलो बोलो, ZnCl2। हाँ वेरी गुड, क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, बैलेंस करने के लिए वही काम करेंगे, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू और यहाँ पे टू, ठीक है, तो देखो जिंक मेटल भी कैसे रिएक्ट किया HCl से, सेम टू सेम, और प्रोडक्ट भी सेम तरीके से बना रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे भी रिएक्शन थोड़ा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, यहाँ पे भी रिएक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, समझ में आया, यस सर। इस केस में देखो जिंक जो है, जैसे एल्यूमिनियम भी अपना ऑक्साइड बना के बैठा हुआ था, वैसे अक्सर ऐसा होता है कि जिंक भी क्या करता है, जैसे ही आप हीट करना स्टार्ट करते हो वो अपना ऑक्साइड बना लेता है, जिंक भी क्या कर लेता है अपना ऑक्साइड बना लेता है, कल आप लोगों को बताया था एम्फोटोरिक ऑक्साइड के बारे में, एल्यूमिनियम भी कैसा ऑक्साइड है, एम्फोटोरिक ऑक्साइड है, जिंक भी कैसा ऑक्साइड है, एम्फोटोरिक ऑक्साइड है, ठीक है, दोनों के दोनों कैसे हैं, एम्फोटोरिक ऑक्साइड टाइप के हैं, समझ में आया, तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, हीट करने पे अपना ऑक्साइड का लेयर अपने ऊपर पहले बना ले रहे हैं, एल्यूमिनियम में भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया था इसलिए रिएक्शन स्टार्टिंग में स्लो था, जिंक वाले केस में भी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जैसे ही आप हीट करते हो तो जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन का लेयर अपने ऊपर बैठा लेता है, क्या करता है, ऑक्सीजन का लेयर अपने ऊपर बैठा लेता है, तो अगर जस्ट इमेजिन अगर कुछ ऐसा अवेलेबल था, ये तो मान लीजिए प्योर जिंक था और HCl से था, मान लीजिए ZnO था, मतलब जिंक का ऑक्साइड अवेलेबल था, तो आप भाई जिंक का ऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे, स्टार्टिंग में तो रिएक्शन इसी से होगा ना, तो जिंक का ऑक्साइड क्या करेगा, जब HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट तो वही बनाएगा ZnCl2, जो मेन प्रोडक्ट है वो ZN क्या करेगा, इस H को हटाएगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा और क्या बनाएगा, ZnCl2, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट निकलने वाला है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन निकला है, तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, बचा कौन है, ये हाइड्रोजन हटेगा तो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, आई बात समझ में, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो यहाँ 2 लिखा तो यहाँ पे 2 है पहले से, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, चलिए तो रिएक्शन हमारा बैलेंस हुआ, हो गया, नहीं हुआ, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 4, और तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा 2, और उस हिसाब से हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2, चलिए तो अब हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस, अब बैलेंस हुआ, फिर बैलेंस नहीं, 2 to the 4 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया, फिर से बैलेंस करते हैं, यहाँ सिर्फ 2 लिखा जाए अगर, यहाँ 2 2, तो हाँ अब बैलेंस है, हाँ अरे इतना आसान बैलेंस था, हम लोग बड़ा बड़ा बैलेंस कर रहे थे, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आपके पास जिंक की बात करें तो जिंक भी कैसा है, एम्फोटोरिक नेचर का है, ठीक है, एम्फोटोरिक नेचर का होने का मतलब कि अगर आप जिंक के ऑक्साइड को, जिंक का ऑक्साइड कैसा है, एम्फोटोरिक नेचर का है, तो जिंक का ऑक्साइड एम्फोटोरिक नेचर का, इसका मतलब कि अगर इसके ऑक्साइड को HCl से आप रिएक्ट कराओगे तो HCl क्योंकि अच्छा वाला एसिड है, तो इस वजह से जिंक ऑक्साइड कैसे बिहेव करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ये तो हमें पता ही है, कल हम लोगों ने ये रिएक्शन देखा भी था इसी टाइप का, तो हमने देख लिया क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, आई बात समझ में, कोई दिक्कत आया ना समझ में भाई, यस सर, नींद में हो सबके सब आज बोल नहीं रहे हो, क्या बात है, कोई बात है, नो सर, नहीं ना, नहीं सर कोई बात नहीं, चलो ठीक है, नोट करो फटाक से दोनों रिएक्शन,
और आप लोगों को ये तो आपका जो रिएक्शन हमने लिखवाया वो कौन सा था कि अगर ZNO किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कल आप लोगों को, अच्छा कल आप लोगों को बताया था हमने ZNO अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस बताया था ना, हाँ सॉल्ट प्लस H2O ही बनेगा, बस अंतर ये रहेगा कि जब ZNO को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो ZNO कैसे बिहेव करेगा, एम्फोटोरिक है इस वजह से कैसे बिहेव करेगा, एज अ एसिड, हाँ वेरी गुड, एज अ एसिड बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन मिटाओ और नीचे एक और रिएक्शन लिख लो, जब जिंक के बारे में लिख रहे हो तो जिंक के तीनों रिएक्शन लिख लो, ठीक है। तो क्या है भाई, ZNO हमने लिया और रिएक्शन किससे कराया हमने, NaOH से रिएक्शन कराया, किससे कराया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ बताओ सर, Na2ZnO2 प्लस H2O, हाँ क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस प्लस वाटर प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये प्रोडक्ट बना है Na2ZnO2, ये क्या होता है, ये होता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने रिएक्शन किससे कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है, दैट्स व्हाई आवर ZNO व्हिच इज एम्फोटोरिक इन नेचर बिहेव्स एज अ एसिडिक, ठीक है। तो एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। अब अगर ये फटाक्ष रिएक्शन आगे बढ़ा जाए, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया भाई, पोटेशियम देख लिया, सोडियम देख लिया, देन आफ्टर दैट मैग्नीशियम देख लिया, मैग्नीशियम के बाद हम लोगों ने क्या देख लिया, एल्यूमिनियम देख लिया, जिंक देख लिया, और जिंक के बाद अब हम लोग जो मेटल देखने जा रहे हैं वो कैसा देखने जा रहे हैं, हाँ देखते जाइए, जैसे जैसे हम मेटल आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, स्लो होती जा रही है, वैसे वैसे मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, स्लो होती जा रही है। अब हम लोग आयरन का रिएक्शन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आयरन वाला, एक पॉइंट लिख लीजिए, एक्चुअली आयरन वाले में एक पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए नेक्स्ट रिएक्शन में पॉइंट डालिए, पॉइंट में एक पॉइंट लिख लीजिए जरा सा। तो आयरन रिएक्ट स्लोली विद, आयरन रिएक्ट स्लोली विद, आयरन रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड डाइल्यूट HCl, कोल्ड डाइल्यूट HCl, कोल्ड वर्ड जरूर लिखिएगा, ठीक है। आयरन रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड डाइल्यूट HCl टू गिव आयरन सेकेंड क्लोराइड, टू गिव आयरन सेकेंड क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए तो हमने लिया Fe मतलब आयरन, आयरन का रिएक्शन करवाया किससे, HCl, कौन सा HCl, कोल्ड, कौन सा HCl, कोल्ड। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड मतलब FeCl2, हमने बोला ना आयरन सेकेंड क्लोराइड, सेकेंड क्लोराइड मतलब आयरन की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी, प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। कल आप लोगों को सिखाया था ना कि रोमन नंबर में वैलेंसी को हम लोग कभी कभी शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली शो करते हैं, वो जो वैलेंसी होती है थोड़ा सा सिमिलर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के, ठीक है, आप लोगों को एक बार पहले ही बता रखा है हमने, आगे चलोगे आगे क्लासेस में तो आप सीखोगे बेसिकली कि क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और कैसे निकालते हैं, अभी आप लोग वैलेंसी सीखियो, वैलेंसी के हिसाब से समझो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आयरन जो है वो HCl से रिएक्ट किया और क्या बनाया, आयरन क्लोराइड, कौन सा, आयरन सेकेंड क्लोराइड, बिकॉज हियर वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2 एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, ठीक है। यहाँ रिएक्शन थोड़ा और स्लो हो चुका है, स्लो होते होते अब हम लोग आयरन पे पहुंचे हैं, अब आयरन के बाद लास्ट हम लोग जो रिएक्शन लिखने जा रहे हैं वो रिएक्शन है कॉपर का, इसका रिएक्शन है कॉपर का। अब कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में बताओ भाई श्रेयांश कि कहाँ आता है, हाइड्रोजन के ऊपर आता है या हाइड्रोजन के नीचे आता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज
हमारा जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के ऊपर आता है कि नीचे नीचे आता है? नीचे आता है, इसका मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से काफी ज्यादा कम है, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस कि रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर इज वेरी लेस विथ रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन, देयरफॉर कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। आई बात समझ में? हाँ, सर। तो ये भी लिख लीजिए, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ HCl बिकॉज ऑफ इट्स लेस रिएक्टिविटी। उसके बाद ये छोटा सा रिएक्शन लिख लीजिए, ऐसे रिप्रेजेंट करके लिख के रखे रहेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। कॉपर को अगर हम लोग HCl से रिएक्ट कराएं तो क्या होगा? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। इज दैट क्लियर? फटाक से कॉपी करिए। तो कॉपर की रिएक्टिविटी आप लोगों ने देखा इतनी कम हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज इसीलिए, दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस, की आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं, या फिर ये कहा जाए जो मोस्ट कॉमन मेटल्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें से जो सबसे अच्छे मेटल है, जो सबसे अच्छे रिएक्टिविटी रखते हैं, वो टॉप पे हैं। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी स्लो होती जाती है। फिर तो उसके बाद हाइड्रोजन को पुट किया गया, हाइड्रोजन के बाद दो चार मेटल्स को पुट किया गया, जैसे कॉपर है, जैसे सिल्वर है, जैसे लेड है, जैसे गोल्ड है। तो इनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, दैट्स वाई वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो ये रिएक्शन तक आप लोगों को समझ में आ गया। आओ एक दो रिएक्शन और एग्जाम्पल में आप लोग हमें बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है? चलिए, तो अभी अभी हमने जितना रिएक्शन आप लोगों को लिखवाया वो विथ रिस्पेक्ट टू किसके लिखवाया? HCl के साथ लिखवाया। किसके साथ लिखवाया? HCl के साथ लिखवाया, ठीक है? आगे हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं किसी और एसिड के साथ, ठीक है? फोन की बैटरी थोड़ी हमारी लो है, तो अगर स्विच ऑफ हो जाएगा तो क्लास ऑफ हो जाएगा, ठीक है? वैसे चलिए अभी तो चल रहा है, चलने दीजिए। कल रात में चार्ज में लगाना भूल गए थे। तो चलिए, कौन बताएगा? चलिए कोई भी बताएगा। पहले देखिए हमने क्या लिखा, सोडियम का रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H2SO4। किससे करवा रहे हैं? H2SO4। मतलब कौन सा एसिड लिया अब हमने? सल्फ्यूरिक एसिड लिया। कौन सा एसिड लिया हमने? सल्फ्यूरिक एसिड लिया। तो बताइए भाई, प्रोडक्ट क्या बनने के आसार लग रहे हैं? क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा जब हम सोडियम का रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा बताइए? यस करिए। Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2। जी कि हमने किसी मेटल को रिएक्ट कराया किससे? एक एसिड से, H2SO4 से। तो क्या बना? Na ने हाइड्रोजन को, ये सोडियम ने हाइड्रोजन को क्या किया? रिप्लेस किया और उसकी जगह बैठ गया। तो क्या बनेगा? Na2SO4। और ये हाइड्रोजन हटा है तो हाइड्रोजन अलग से निकल जाएगा। चलिए एक रिएक्शन और बताइए, इसी सोडियम का रिएक्शन आप लोग करा दीजिए CH3COOH से। ये रिएक्शन आप लोगों ने देख रखा होगा, हमने पहले प्रैक्टिस कराया ये रिएक्शन। बताइए CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड। तो सोडियम का रिएक्शन आपने अगर सी एच थ्री सी CH3COOH से डबल ओ करवाया, गोल्ड ट्वाइस हाँ, एन CH3COOH सी एच थ्री सी होल्ड डबल ट्वाइस ओ क्यों एन होगा? हाँ, होल ट्वाइस क्यों होगा भाई? बैलेंसी तो वन ही होती है सोडियम की, गोल्ड हाँ ट्वाइस चल होने का कोई कुछ चांस नहीं, तो नहीं दिख रहा ठीक है ठीक है ना? तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल क्या होगा, ये Na किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा? इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ठीक है? तो क्या बनाएगा? CH3COONA, और ये हाइड्रोजन निकलेगा, दैट्स वाई क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे, ठीक है? हाँ, अब जो तुम बता रहे थे वैसा होने के चांस हैं कब? हैं
जब आप एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवा दीजिए या ZN से करवा दीजिए, तो एल्यूमिनियम से करवाएंगे CH3COONa का तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्यूमिनियम से CH3COOH का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? इस केस में एल्यूमिनियम का होल प्राइस, हाँ CH3C डबल ओ का राइस राइस एल्यूमिनियम की वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी तीन होती है ना। हाँ हाँ ट्राइस ही बोला था, रिया पूछ रही थी ना तो उसको बता रहे थे। चलिए ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो नोट लिखिए, अब नीचे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए, रिएक्शन तो कराना आप लोग सीख गए, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए। लिखिए नोट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया, जैसे कि HCl का रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया, CH3COOH का भी एक दो एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, अगर हम लोग इन सारे एसिड को हटा के किससे रिएक्शन करवाएं? नाइट्रिक एसिड से करवाएं, तो रिएक्शन का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है लिखिए, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, व्हेन अ मेटल React with dilute nitric acid, when a metal react with dilute nitric acid, when a metal react with dilute nitric acid, when a metal react with dilute nitric acid, then hydrogen gas is not evolved, then hydrogen gas is not evolved। देखो यहाँ पे रिएक्शन का एकदम तरीका उल्टा नहीं हो गया, हर जगह हाइड्रोजन गैस निकल रही थी और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। अभी तक जो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी वो यहाँ पे नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही है उसका रीजन भी हम लोग लिखेंगे ठीक है, लेकिन पॉइंट याद करो पहले, जब आपका नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है किससे? किसी मेटल से, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। आई बात समझ में? क्यों नहीं निकल रही है भाई, उसका रीजन उसके नीचे लिखिए। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस वजह से क्या होता है, सो एज सून एज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, 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 in the reaction between metal and dilute nitric acid, in the reaction between metal and dilute nitric acid, in the reaction with metal and dilute nitric acid, the nitric acid oxidizes this hydrogen to water,
द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज, द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज दिस हाइड्रोजन टू वाटर. तो क्या देखा हम लोगों ने कि अगर हम लोग किसी मेटल को नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड कैसा है, बहुत ही अच्छा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही बढ़िया वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो वो क्या करेगा कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा. ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन वाटर में बदल जाएगा. ठीक है, आई बात समझ में सबको? समझ में आया भाई? यस सर. हाँ, बैठ जाते हो सबके साथ. चलो ठीक है, उसके नीचे एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो. क्या लिखोगे? नेक्स्ट पॉइंट है ना, पॉइंट चेंज कर दो. वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर नाइट्रिक एसिड को बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर दे, मतलब बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर दे, बहुत ही कम कंसेंट्रेशन हो गया अब नाइट्रिक एसिड का, तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाउएवर रिएक्ट्स विद, हाउएवर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, Mg and Mn, magnesium and manganese metal, magnesium and manganese metal to evolve hydrogen gas, to evolve hydrogen gas. अगर हम नाइट्रिक एसिड को बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर दें, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर दे, तो इन जो दो मेटल के नाम हमने लिखवाए हैं मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस दिखाई दे सकता है. इसकी जगह पे वाटर नहीं बनेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा हाइड्रोजन, तो वाटर नहीं बनेगा, तो आपको हाइड्रोजन गैस दिखाई दे सकता है. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पॉइंट को कंटिन्यू करिए, ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज the very dilute nitric acid, the very dilute nitric acid, this is because the very dilute nitric acid, very dilute nitric acid is a weak oxidizing agent, is a weak oxidizing agent. जो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट वाला नाइट्रिक एसिड होता है वो अच्छा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. दैट्स व्हाई इट इज अनेबल टू ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस व्हिच इज इवॉल्वड इन द रिएक्शन. देयरफॉर नो वाटर इज फाउंड, ओनली हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्वड. इज दैट क्लियर? पॉइंट लिख लिया? दिस इज बिकॉज, हेडिंग डाल लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज. इसका एक नाम और है, कभी कभी इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज. चलिए, हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने, तो लिखिए द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in a vertical column, the arrangement of metal in a vertical column, in a vertical column in the order of decreasing reactivity, in the order of decreasing reactivity, in the order of decreasing reactivity is called a reactivity series of metal, is called a reactivity series of metal, is called a reactivity series of metal.
अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज चलिए लिखवा ही दे रहे हैं हम। पोटेशियम देखिए सबसे टॉप पे आ रहा है, सोडियम उसके बाद आ रहा है, देन आफ्टर दैट वी हैव कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। देखो इसी ऑर्डर में हम लोग ने रिएक्शन भी सीखा है, इससे पहले जब हम लोग रिएक्शन सीखते थे तो इसी ऑर्डर में सीखते थे, पहले पोटेशियम का रिएक्शन देखते थे, फिर सोडियम देखते थे, फिर कैल्शियम देखते थे, फिर मैग्नीशियम देखते थे, एल्यूमिनियम देखते थे, फिर एल्यूमिनियम के साथ जिंक देखते थे, जिंक के बाद क्या देखते थे, आयरन देखते थे, क्या देखते थे, एफई, एफई मतलब आयरन का देखते थे, ठीक है। पहले सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इसके बाद क्या देखते थे, टिन, टिन, टिन का सिंबल क्या होता है, Sn, फिर लेड, लेड का सिंबल क्या होता है, Pb, लेड का सिंबल क्या होता है, Pb, Pb के बाद आपका आ जाता है हाइड्रोजन, Pb के बाद क्या आता है, हाइड्रोजन। तो ये देखिए ये मेटल हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल जितने हैं ये सब के सब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो कभी भी इनका रिएक्शन एसिड से कराओगे तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। देखिए जगह यहाँ खत्म हो गई है तो हम इधर लिख रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में नीचे ही लिखिएगा, हाइड्रोजन के नीचे लिखिएगा। हाइड्रोजन के बाद जो मेटल आता है जो इम्पोर्टेंट है, चार मेटल वो कौन कौन से हैं, कॉपर के बाद मरकरी Cu है, उसके बाद Hg है, देन आफ्टर दैट वी हैव टू मेटल्स सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag, सिल्वर होता है Ag, और गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au, ठीक है, Ag और Au कम दिखता है तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, Ag के आगे सिल्वर और Au के आगे गोल्ड लिख ही देते हैं हम। ये आपका सिल्वर है और ये आपका गोल्ड है, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सिल्वर वाला कौन सा था और गोल्ड वाला कौन सा था, ठीक है। ऑर्डर कैसे चल रहा है, ये गया फिर यहाँ से फिर ये गया, ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे ही आप लोग लिख लीजिएगा, दो लाइन मत बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम है, K है, देन आफ्टर दैट वी हैव सोडियम, देन वी हैव कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन जिंक, आयरन, Sn क्या होता है, टिन, फिर Pb, Pb मतलब लेड, फिर हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के नीचे कौन आ रहा है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और जो कॉपर मरकरी सिल्वर है दैट्स वाई हाइड्रोजन के नीचे है, और इनका रिएक्शन कभी भी हम लोग किसी एसिड से कराएंगे जहां हाइड्रोजन रहेगा तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए फटाक से सीरीज, तब आगे बढ़ा जाए। तो रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, हमने बड़ी छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई है, ठीक है, कभी कभी आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो दो चार और मेटल्स को इंक्लूड कर दिया जाता है, वो एक्स्ट्रा दिखाने के लिए कर देते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल्स हैं जिनके रिएक्शन आपसे बार बार 10th क्लास में पूछे जाएंगे वो यही मेटल्स हैं। इस वजह से इतना तो एटलीस्ट हमको याद होना बहुत ही जरूरी है, इतने मेटल्स का सीरीज हमें याद होना बहुत ही जरूरी है। आई बस समझ में, तो अगर ये सीरीज हमको याद है तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। नोट हो गया सीरीज, बताएं आगे, नोट हो गया ना बेटा, सर एफी नोट हो गया, क्या एफी, एफी आयरन होता है, एफी आयरन होता है, Zn है, फिर Fe है, Fe के बाद Sn है, Sn, Sn मतलब tin, फिर Pb है, Pb मतलब lead, lead के बाद हाइड्रोजन। नोट करिए फटाक से, आगे बढ़ा जाए। हो गया, हो गया सबका, हो गया, yes, sir. चलो तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, ये सीरीज आपको याद हो गई, मान लेते हैं याद हो गई,
अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, पहला सवाल, जो पहला सवाल ये है कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। Yes, आप दे सकते हैं जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरा छोटा सा सवाल ये पूछा जा सकता है, कौन से ऐसे मेटल है जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो ये वाले जो मेटल्स है जो हाइड्रोजन के बाद आते हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तीसरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, तीसरा सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है कि कुछ मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और वो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आ रहे हैं, और कुछ मेटल्स इतने कम रिएक्टिविटी हैं कि वो हाइड्रोजन से भी नीचे आ रहे हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि जो रिएक्टिव बहुत ज्यादा है वो इतने ज्यादा क्यों रिएक्टिव है, जो कम रिएक्टिव है वो इतने कम रिएक्टिव क्यों है, वॉट इज द रीजन बिहाइंड दैट। रिएक्टिविटी सीरीज तो हमको मिल गई, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से तो हम बता ही सकते हैं कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आ रहे हैं इस वजह से वो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी है, और जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहे हैं वो बहुत कम रिएक्टिव है। लेकिन व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट कि दिस मेटल इज वेरी रिएक्टिव एंड दिस मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? कुछ आ रहा है दिमाग में बताइए, कुछ आ रहा होगा तो दिमाग में? ये तो नेचुरली बढ़िया कॉन्सेप्ट है, नेचुरल है यार, और वाटर से वो रिएक्ट कर जाएगा जल्दी, ऐसा कुछ। अच्छा, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों रिएक्ट कर रहा है एयर वाटर से जल्दी, ऐसा क्या कमी है इन लोगों में? गोल्ड तो इतना महंगा मिलता है, उसको और अच्छा होना चाहिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो नहीं हो रहा है? अच्छा ही तो है गोल्ड, मतलब महंगा है इस वजह से ही तो रिएक्ट नहीं होता है, अगर ऐसे ही रिएक्ट हो जाता तो महंगा क्यों होता सर, खराब बराब हो जाता पानी में। वेरी गुड, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो चलिए अब ध्यान से सुनिए भाई, हमने बोला ना ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप लोगों ने एटॉमिक नंबर याद किया है, याद किया है एटॉमिक नंबर ना? सर एटॉमिक नंबर कैसे याद किया है? हाँ, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, इसका नाम आपने बोला नहीं कॉन्सेप्ट अच्छा है तो नाम क्या है मतलब? अरे क्वेश्चन जो हमने वही बोला है कि व्हाई सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड व्हाई सम मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, ये क्वेश्चन है, इसका जवाब दे रहा हूं, कुछ टॉपिक है, ठीक है। हां यही टॉपिक ही है, यही टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल, समझ में आया? तो पीरियोडिक टेबल पढ़ते तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे आता, लेकिन जब वहां पे आता तब आप इसको वहां पे ध्यान नहीं रहता तो इसको वहां पे अप्लाई नहीं करते, तो जब वहां पे आएगा तो इसको भूल चुके होंगे, भूल इन द सेंस कि ये याद होगा लेकिन वो वहां पे नहीं याद आ रहा होगा कि हम वहां पे अप्लाई करके आपको बताएं, ठीक है। तो चलिए वहां पे जो हम समझाने वाले थे उसको थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई पीरियोडिक टेबल सबने देख रखा है, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार है, आप लोगों को समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा सुन के, जो अभी आप लोग जवाब दे रहे थे उन जवाब से बहुत डिफरेंट जवाब, ठीक है, और एकदम बढ़िया जवाब जो आपको 11th और 12th तक ले जाएगा, ठीक है। ये जो आप सीखेंगे अभी ये आप सेम कॉन्सेप्ट 11th में भी लिखेंगे और 12th में भी लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है आपके पास, म्यूट का हटा दो, ऐसे यस यस बोलते रहोगे तो हमें पता चलेगा समझ में आए, नहीं समझ में आएगा तो फटाक से बताना, ठीक है, क्योंकि लंबा है, ठीक है। yes, देखो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, आप लोगों ने एटॉमिक नंबर याद किया लगभग 30 लगभग 40 तक, तो आप लोगों ने कैसे याद किया, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 ऐसे ऐसे याद किया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे याद करने के बजाय अगर हम लोग ऐसे ऐसे याद करें, है ना, ग्रुप वाइज पीरियड वाइज, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे याद करें, तो पीरियोडिक टेबल में जो पहले दो लाइन होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल हो कहीं आसपास तो उसको ओपन करके रख लीजिए अपने सामने, तो जो पहली दो लाइन है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग अगर देखें तो सबसे ऊपर क्या आता है, पहली वाली लाइन में देखो सबसे ऊपर क्या आता है, हाइड्रोजन, उसके नीचे क्या आता है, लिथियम, लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम, सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम, फिर सीजियम फ्रेंसियम ऐसे आता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम ऐसे, देखो है पीरियोडिक टेबल आपके पास? यस सर। अच्छा हाँ है, तो देखो इसी ऑर्डर में है, क्या है, हाइड्रोजन, देन वी हैव लिथियम, देन वी हैव सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम फ्रेंसियम, ये है ना, उसके बाद रुबिडियम, रुबिडियम रुबिडियम है ना, रुबिडियम सीजियम एंड फ्रेंसियम, ठीक है, ये एलिमेंट्स है आपके टॉप से डाउन। चलो इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है।
तो देखो होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग इधर जाते हैं, जैसे जैसे इधर जाते हैं, जैसे जिस ऑर्डर में आप लोग ने याद किया है, 1 फिर 2 फिर इधर आते हैं, 3 4 5 6 फिर इधर पहुंचते हैं और फिर इधर से नीचे आते हैं। तो जब हम लोग इधर मूव करते हैं तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। आपने कैसे देखा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 1 है, 1 के बाद 2 है, फिर इधर आए 3, 3 के बाद फिर 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद फिर यहाँ से 11 12 13 14 ऐसे करके, ठीक है। तो इधर वाले साइड भी हम लोग देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का लगभग 19, है ना। तो इतने एटॉमिक नंबर ये जो हैं, ये भी कैसे है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। मतलब इधर जाने पे भी एटॉमिक नंबर बढ़ ही रहा है और नीचे आने पे भी एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है देखो, अब अंतर जैसे इस तरीके से देखो कि जब ऐसे एलिमेंट्स भर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट हमने डाला, इन वाले एलिमेंट्स में जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, इन वाले जब एलिमेंट्स में हमने इलेक्ट्रॉन भरने आता है ना, 9th क्लास में सीखे थे हम लोग, एक बार यहाँ पे भी हमने वैलेंसी वाला टर्म बताया था। yes, जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके भरते हैं ना हम लोग, ठीक yes, है। तो जब ऐसे 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 वाले में भर रहे हैं, ठीक है, पहला हाइड्रोजन, फिर दूसरा हीलियम, उसके बाद दूसरे लाइन में आ गए लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर तीसरे लाइन में आ गए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे वाले लाइन में, ठीक है। तो जब इसमें है, तो इसमें जो एलिमेंट है, जब तक लाइन नहीं चेंज हो रही है तब तक उनके नंबर ऑफ ऑर्बिट भी नहीं चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी चेंज नहीं हो रहे हैं। जैसे पहला एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बगल वाला एलिमेंट कौन है, हीलियम है। देखो पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है और उसी लाइन में लास्ट में कौन आता है, हाइड्रोजन आता है, अरे हीलियम आता है, आ रहा है ना, पीरियोडिक टेबल देख लो सामने, ठीक है। उन दोनों में क्या है, एक हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, और हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। हाइड्रोजन में 1 और हीलियम में कितने, 2। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें भरना हुआ तो कितने ऑर्बिट की जरूरत होगी, सिर्फ एक। कितने ऑर्बिट की जरूरत होगी, सिर्फ एक ऑर्बिट, क्योंकि एक ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन तो भर ही सकते हैं, भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, सोच के बताओ। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन तो भर ही सकते yes, है ना। उसके नीचे वाले में आएंगे, उसके नीचे वाले में आएंगे लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे, पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑर्बिट में भरोगे। और इसी ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज नियॉन, इसी वाले में लिथियम वाले में लास्ट देखोगे तो कौन है, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने, 10। और अगर आप इन 10 इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। इसका मतलब इस पूरे पूरे लाइन के लिए, लिथियम से लेकर नियॉन तक, आपको कितने ऑर्बिट की जरूरत है, मैक्सिमम 2 ऑर्बिट की जरूरत, 2, ठीक है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं ऑर्बिट बढ़ रहा है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट हमारे चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा ना। लेकिन अंत हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो रहे हैं। जब इधर से इधर जा रहे हैं ऑर्बिट तो नहीं चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। ये बेटा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताना। सर आ रहा है, बोलो आ रहा है ना। चलो तो हम क्या बोल रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो ऑर्बिट चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है और नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज करेगा। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज करेगा। अब ये बताओ, एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज है और छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, ये ज्यादा तेज से अट्रैक्ट करेंगे या एक बड़ा सा नेगेटिव चार्ज और बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे, कौन अच्छे से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बताओ। पहले एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यू नो दैट। अपोजिट चार्जेस अगर एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को पास में रखेंगे तो दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है।
तो कौन ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा? दो निगेटिव निगेटिव वाले ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करे, छोटे मतलब एक छोटा निगेटिव चार्ज, एक बड़ा निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा निगेटिव लिया और एक छोटा सा पॉजिटिव लिया, ये ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होगा या एक बड़ा निगेटिव और बड़ा पॉजिटिव लिया वो ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होगा? बताओ। छोटा वाला होगा। छोटा वाला कैसे होगा? ये चार्ज के, चार्ज वाले टर्म्स में छोड़ो, मैग्नेट के टर्म्स में समझो, बताओ दो छोटे छोटे मैग्नेट हैं वो ज्यादा अच्छे से तेज से रिएक्ट करेंगे या बड़े बड़े सेम चीज चार्ज के केस में भी होगा ना, सेम चीज चार्ज के केस में भी होगा, छोटे छोटे चार्जेज है अट्रैक्शन करेंगे उतना अच्छे से नहीं करेंगे, बड़े बड़े चार्जेज है ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं अभी जब ऐसे ऐसे की बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिट तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा तेजी से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, बताओ। यस सर, सर मीटिंग ओवर होने वाली है आधे मिनट में, तो आप रिज्वाइन करा दें। चलो ठीक है, रिज्वाइन करा लेंगे हम। रिज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट, कराते हैं, ये टॉपिक समझ रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, समझ लीजिए। ठीक, तो हमने क्या बोला, अब तुमने बता दिया आधे मिनट में हो रहा है, हम सोच रहे हैं बंद हो तो स्टार्ट करें। सर बंद कर देता हूँ मैं, आप स्टार्ट ही कर लीजिए।